अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग मेरे यूट्यूब पर नए हैं उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक पुराने पाकिस्तान में। तो आज की जो वीडियो है वो मैं थोड़े इसी से रिलेटेड बना रही हूँ। आप सब सोच तो रहे होंगे कि इनको पॉलिटिक्स का क्या शौक़ पड़ गया और ये वो। भाई मुझे कोई पॉलिटिक्स का शौक़ नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जहाँ इमरान खान की बात आए तो हम खड़े हुए हैं। तो बात ये है कि रात को जो भी हुआ हो गया, कोई बात नहीं, मैं घबराई भी, दिल भी थोड़ा सा छोटा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आएंगे इमरान खान इंशाल्लाह और हम फिर लेकर आएंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान गए क्यों? गए इसलिए क्योंकि हम खुद ख़राब हैं, आवाम ख़राब है यहाँ की, और ये जो पाकिस्तान मुल्क है ये सिर्फ चोर। इन्होंने इतना पैसा अपनी लॉन्ग मार्च में इन सब चीज़ों में लगाया, अगर ये आवाम में लगा देते, कर्ज़े अदा कर देते तो आज ही होते। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि हम वोट किसको दें आगे? कोई यहाँ है? नहीं है। किसको दें जिनकी कांपें टांग रही हैं? या कौन है जो? तो इमरान खान को हटाने वाले जो, मैं कुछ ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहती, ज़ाहिर है मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो बाहर है लोग कितना बोलते हैं ना कि जितनी न्यू जनरेशन है वो सब इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, तो भाई और कौन? हमें उनके अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा, हम किसको वोट दें? हम न्यू जनरेशन है, पुरानी वाली सियासत तो अब हो नहीं रही है पाकिस्तान में, तो हम किसको वोट करेंगे? अब जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने पुरानी सियासतें देखी हैं, भुट्टो का ज़माना और ये वो सारे, तो वो लोग महंगाई होती है तो इमरान खान को बुरा कहते हैं कि महंगाई इमरान खान ने कर दी। कोरोना आया उनकी हुकूमत में तो इमरान खान की वजह से आया। अरे भाई क्यों भाई, आगे तो और बुरे हालात होंगे। अब चलो वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहे, अब मैं देखती हूँ कि कितने डॉलर कम होगा और कितनी महंगी। इमरान खान का कसूर नहीं है, ये हमारा आवाम का कसूर है खुद का। पेट्रोल महंगा हुआ, अब सस्ता कर दिया जब इमरान खान ने, तो किस किन चीज़ों पर सस्ता, कोई रेट कम हुए किसी पर? दूध वही मिल रहा है, तेल वही मिल रहा है, नहीं हुए ना, तो ये तो आवाम की गलती है ना। अब हुक्मरानों ने तो कम कर, अब मैं बोलूँ कि आवाम गलत है तो फिर लोग बोलेंगे देखो हमें गलत कह रही है और ये वो। तो मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ कि आप रेट भी तो, वो भी तो चार चीज़ें देखें ना, कि जब पेट्रोल पे पैसे कम हुए तो बाकी किसी चीज़ों पे कम हुए, बेशक 5 रुपये कम हो, 10 रुपये कम हो, तो आप महंगाई हो भी क्यों रही है? आगे तो और महंगाई होगी, क्योंकि जितना हमने कर्जा लिया है वो भी तो देना ही है ना, या और लेते रहेंगे और पाकिस्तान चलाते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। अब जो भी आएगा वज़ीर आज़म, चलो इमरान खान चले गए, अब जो भी आएगा वो क्या महंगाई नहीं करेगा? वो ये कि भी हमें तो ख़ज़ाना ही खाली मिला है। अरे भाई ख़ज़ाना इसलिए खाली मिला है कि शुरू से ही ख़ज़ाना खाली था, इमरान खान को भी खाली मिला है, तो उन्होंने भी तो कुछ करना था ना। उन्होंने जब आना है आपको जब, तो वो भी तो कुछ करेंगे ही ना, तो उनको भी पीछे सारा ख़ज़ाना खाली मिला, वो सब लेके उड़ गए। तो इंशाल्लाह हमारा वोट फिर इमरान खान को ही जाएगा और वो दोबारा आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि अब कितनी सस्ताई होगी, अब कितना डॉलर कम होगा, अब पेट्रोल कितना नीचे आएगा। हटा दिया ना वज़ीर आज़म को, खुश हो गए सब। वीडियो को एंड करती हूँ यहाँ मैं, वरना मेरे घर वाले से मेरी डांट पिट जाएगी कि क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों में पढ़ने की। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, और अगर इमरान खान के साथ हैं तो भी कमेंट करें, इंशाल्लाह वोट इमरान खान को ही जाएगा, कोई बात नहीं। घबराना अब तो ना खान साहब ने है और ना आवाम ने है, इंशाल्लाह दोबारा अच्छे वोटों से इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि महंगाई कितनी कम होगी। मुझे सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार है कि मैं कब महंगाई कम होती हुई देखूँ, जो मैं सुनती थी ना। खैर वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मैं बनाना ही नहीं चाह रही थी इतनी लंबी वीडियो, क्योंकि अच्छी बात नहीं है बिना वजह किसी को टॉन्ट करना ये सारी चीज़ें, और फिर पॉलिटिक्स के अंदर तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ना बहुत बातें। घबराना तो ना खान साहब ने और ना हमने है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि यार वो वक्त नहीं आ सकता जो लोग ढूंढ रहे हैं कि 5 रुपये की इतनी सारी चीज़ें मिलती थी, अल्लाह इतनी सस्ताई थी, वो वक्त अब नहीं आना। चाहे कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए या कुछ भी हो जाए, आगे हालात और ख़राब होंगे, अच्छे नहीं होंगे, चाहे उसमें कोई भी वज़ीर आज़म बने। ये नहीं कि मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, जो पाकिस्तान का अच्छा सोचेगा मैं उसी के साथ हूँ, लेकिन हमें इमरान खान से बेहतर और कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो हम वोट किसको दें, किसकी बुनियाद पर दें? हम कोई है ही नहीं जिसको। और एमक्यूएम वाले के तो क्या ही कहने हैं, उनको इमरान खान से नहीं मिला कुछ तो वो अपोजिशन की तरफ चले गए। अगर इमरान खान वो सब इनको दे देता जो इनको चाहिए था, तो आज इमरान खान मौजूद होते? तो इनसे तो कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते आप। तो इंशाल्लाह हमारा वोट इमरान खान को जाएगा, वो इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अच्छी लगे तो कॉमेंट करके बताएँ, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अब तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान का भला हो और कुछ भी नहीं, अल्लाह ही मालिक है क्या होगा, दुआओं में याद रखें।